रेडी 80 शब्द प्रति मिनट। सभापति महोदय, भारत में कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का एक माध्यम है। हमारे देश के किसानों में व्यापारिक विचारों का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए खेती करते हैं, इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्यों तथा उनके उत्पादन खर्च में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार पर लागू नहीं होता, यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करें कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना होने पाए। हमें ज्ञात है कि 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों की कैसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि किसानों को समुचित लाभ ही हुआ, किंतु देश के नियमित विकास के लिए ये दोनों परिस्थितियां बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं। भारत में कृषि मूल्यों की स्थिरता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ। जून 1954 तथा उसके बाद के काल में कृषि मूल्यों में निरंतर गिरावट होती गई। पैरा, अध्यक्ष महोदय, किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर जाने का भय बना रहता है। 1929 की विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। देश के किसान कर्ज के बोझ से बुरी तरह से दब गए थे। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादक के लिए एक भारी अभिशाप होता है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा खत्म हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ताओं को कठिनाई अनुभव लगती है और देश में वेतन बढ़ाने की मांग उठने लगती है। दूसरी ओर कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका असर पड़ता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश में
सामान्य मूल स्तर पर